ओ क्रीम पाउडरा घुस निकले मेरी निर्मला समझ किले सब निस गयो तो दगड़ियो गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सही बढ़िया होंगे। तो दगड़ियो एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, तो स्वागत आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दगड़ियो आपको पता है कि जब से मैं हल्द्वानी आया रोज मॉर्निंग के टाइम में जैसी मूड रहा हूँ उठते ही दगड़ियो यहाँ पर बिस्तर में चाय मिल जा रही है, तो आज मौसी यहाँ पर चाय लेकर आ गई है। और दगड़ियो एक खुशखबरी और है, यहाँ पर जो बगल वाली ताई जी है, जो ये मकान मालकिन है दगड़ियो, वो गांव गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो फाइनली यहाँ आ गए हैं। और आज चाय पीने के लिए दगड़ियो हमर दगड़िया बैठरी जस्ट हमर सामणी में है ना, तो तुमन के मिलू नो मकान मालकिन है दगाड़ ले पहली। तो दगड़ियो कोयले नई शख्स में तुमन का दिखू तो तुमन का पत्तो छो की मैं एकदम से फेस रिविन ने करनी पहली घुटन में उनका पहला कुम पहला गुड़ा कटकले लगाया घुटबन तो आप धीरे धीरे करके फेस रिवील करता हूँ उनका। तो ये है मकान मालकिन पहला ये। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। कस रहो तुम्हारे गाँव में? गाँव में बढ़िया काम है रो चालू है बारसी छु बुने। अरे अच्छा आज जान छु? अरे चलो पके बाद ना इकाले पहली फिके बाद तो बाद में मलल है जुने तो मकान मालकिन को मैंने दिखा ली ताई जी का। और काम हो तुम्हारे गाँव? हमार गाँव यो रामगढ़। रामगढ़ अच्छा। और बाकी दगड़ियो हल्दन मेरा घर है और हम भैया ना किराएदार है है ना। और ताऊ जी लोनी वाले थे ना इतने दिन में? हाँ, हाँ। वो वाल वही आन ने किराएदार जी के गेस्ट भैया वो हाँ वो गेस्ट भैया तो गेस्ट ही हुआ फिर। हाँ हमें नहीं लगता हम किराए में हैं। ताई जी ऐसा हमारे साथ सल्यूट ही नहीं करती है, है ना। हम कुछ भी करे, कुछ भी वो छाट करे टकलाट करे ताई जी फिर दगड़ी हो इसी का नसू पयो है ना। मतलब कोई हमारे लिए रोकथाम कुछ नहीं है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम रात को यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, तुमको ऐसा करना है, तुम्हारे घर में इतने ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, कोई भी पाबंदी नहीं है। ताई जी बोलती है जो करना है करो, है ना, जैसा करना है उछाट करना है टकलाट करना है, क्या दिक्कत ना है क्योंकि ताई जी भी बहुत फ्रेंडली नेचर की है, बहुत अच्छी ताई जी है ना, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है निकल भी। कल देखते ही पता चल गया था दगड़ियो क्योंकि तो उनका पत्ता छो जन्नत अकाल मिलू तो उछाट में करी दू फिर तो ताई जी दगाड़ करो तो ताई जी का भल जा लागो है ना हसना जी है ना। मैंने सोची के सुनाल गवेद ने ली के सुना है तो चलो ठीक लागो। और बाकी हाल चाह वहा पी लीनू फिर देख लू हगी नगिन गई के क्यों हूँ। और आज सब्जी मंडी जान जाए तो बन गए तो आज साग पात ले लिया सब्जी मंडी में पात के साग ले उन पात थोड़ा ले उन किलत जब गोभी साग ले आला तो मैं पात तो भे पात अभी अभी आएगी पे। और गोभी भी यहाँ पर इतनी सस्ती हो रही ना 50 रुपए की 5 किलो, बताओ 10 रुपए किलो हो रही है। चलो पता करियो चाह वहा पिया लो, अब जरा तैयार ले जानू है ना, चाह भी बेहतर है बच्चा ठीक छुपाल ले ताई जी दिन में नींबू छानन। और बे इन्हन हमन का अरबी साग ले दिरोची दू बढ़िया बड़ा रोची ने आ बजन दिया अरे मजाक के नहीं मजाक नहीं नहीं बहुत बढ़िया ताई जी यार तो ओ किरीम पाउडरा घुस निकले ने मेरी निर्मला समझ किले ने सब निस गयो सब निस गयो मेरी निर्मला हंस निकले ने मठू मठू हीट लाग गया बहुत सामान तुम मंडी में मेरी है। मेथी कितने की चल रही है? मेथी है 10 रुपए की 4 गड्डी है। पालक लेके आई 10 रुपए की 5 गड्डी। ये तो बहुत बढ़िया है यार। ये
30 रुपए किलो। इतना तुम्हारे खेत में, पूरे खेत में नहीं होगा, पूरे खेत में नहीं होगा, और यहाँ पर 30 रुपए मिल गया है। 10 रुपए में? अच्छा 10 के 4 है क्या? पाँच। अरे 5, इतने हमारे पूरे खेत में नहीं होगा तो बताओ। मतलब ने अब बिहार में आया इसको नहीं ना देखियो कि मतलब यार घरन का सब खाने पीना तो जदुलभ है, साग पात गड़न का है पर कभी, लेकिन अचानक तो हूं आप जादू जी के होना है ना, फिर लेके दुकान पे लूना पड़ना लेके आई हूँ। मतलब गोघरन का महंगाई ना, ये हल्दनी गाले बैगर है। हाँ ये तो बोल रहा हूँ, फिर ये हल्दन तो बहुत सस्ता हुआ यार, जितना वहाँ हमारे वहाँ दुकान में 50 रुपए की गोभी मिल रही है, वहाँ यहाँ पर 50 की 5 मिल जा रही है। 5 रुपए केजी हो रही है आज? आज 5 रुपए केजी हो गई। हाँ। बापरे, तो 50 की 10 आएगी अब तो। बताओ तो आज दगड़ियो नवीन मंडी पे ये तो सामान आ गयो, ये टोटल को 2 हुई उसी, अगर मोट मोट हिसाब लगाओ टोटल तुम दीनक मिला बे होगा 250 रुपए का। यो 250 रुपए की तो आगो। मौसी बना रही है पूरियां, सब्जी किस चीज की है? आलू के गुटके हैं, आलू के गुटके और पूरियां, एक गिलास चावड़ दिए पे चीन ली। हाँ आलू गुटके ने दगड़ सही लागू ने तो बोल मौसी चुम यार। लाली ताई जी देखियो यहाँ पर नींबू देके गई है, ये गांव के ताजा ताजा नींबू तोड़ के ला रखी कल ये, और देखो साथ में धनिया भी है खेत का, गांव का शुद्ध धनिया नींबू माल्टा, तो इतने सारे नींबू दे रखे हैं अभी, इनको हम दिन में सानेंगे। मौसी की भी एक टाइमिंग है मेरे ब्लॉग्स वॉच करने की, तो खाना खाते खाते ना मौसी मेरे ब्लॉग देखती है, मेरे हो गए और भी कुछ फेवरेट ब्लॉगर्स हैं मौसी के, तो उनको ना मौसी खाना खाते खाते ही देखती है। अभी फिलहाल मेरा ब्लॉग चला रखा है ना हल्द्वानी आके, तो मतलब डेली ब्लॉग देख रही है मौसी, वैसे ही बोल रही थी कि देखती हूँ करके, आप पत्ते ना देखो ना देखो, तो मौसी जानी है, लेकिन हल्द्वानी जब से मार खा तब से मैं डेली देख रहा हूँ कि मौसी मेरे ब्लॉग सारे देख ही रही है। भल लाग लो कमेंट ला कर दिया क्या लिख ला, तुम्हारी मौसी कितनी अच्छी है। और बाहर चल रही स्टडी, क्योंकि 20 तारीख से होने वाले हैं बोर्ड के पेपर 12th क्लास के, ये बच्चे हैं जो कि अभी धूप में बैठ के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पढ़ने देते हैं। तो ताई जिले नदीबे रह गया है 1st क्लास का। तो मैंने भाव कटहरी के जरा यहीं आओ पे काम तपते तपते को तू बांध दिखना चाहे तुम्हें हो। अच्छा। यो भाव कटवरी तुम हो? हाँ आगे ना आगे उन्हें लगभग तुम्हारा और मैं बराबर है रही तो। हाँ अच्छे लग रहे हैं, बार भी कट जैसा ना। खाने के दिन है अभी। हाँ खाने के दिन है अभी, फिर कब खाएंगे? फिर हमारी तरह बुढ़ापे में आ जाएंगे फिर। ओ, हमारी तरह कहाँ, अभी तुम्हारी एज ही क्या है यार, अभी तो तुम छोटे बच्चे हो। अब तो हम एक रोटी खाते हैं तो दिन भर वही रहता है। अब ना खाई ना एलो ना खाई ना, मन ही नहीं करता खाने का। हो नहीं चाहना वो तो खाया ला, आपको तो खाता हर चीज तो तुम्हें चाहिए आयल, हर चीज चाहिए तुम्हें हर चीज। आपके खाना मन ना करें तुम्हार क्योंकि तुम्हें हर चीज चाहिए बने। तूने भी तो खाया था बैल ने चाहिए बने। हर चीज अपना खाया खाया दूसरों का भी खाया था। तो मौसी ने एक बचपन की याद दिला दिया मेरे को। एक बार क्या हुआ था ना, जब मैं बचपन में बहुत ही ज्यादा छोटा था, मतलब 2-3 साल होने नहीं 6-7 महीने का। अच्छा 7 महीने का चाहिए? हाँ 7-8 महीने का होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने का था, 1 साल भी पूरा नहीं हो रखा था। तो क्या हुआ था ना, मौसी सो रखी थी और मैंने हक दिया था और हक के अपने हाथ में ही चुपड़ के मैंने मौसी के मुंह में लगा दिया सारा, और मौसी नींद में थी, और जैसी मौसी उठी तो मौसी ने स्वाद ले लिया पहली बार। मेरी मम्मी ने बोला और वही चा ये पौड़ है ये फल पूरा गुअल हाथ लतपता आली कहा तक, मैंने तेरे को जल्दी से नींद में ही उठाया ऐसे किया तूने ये लगा दिया। बाद में बोला मैंने मुझे घूम ही नहीं खा लिया जिन्होंने घुराया है ना, मतलब तुम्हें सम्मानित करना चाहिए इस चीज का, अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। यही अवार्ड इसी में देगा तो अवार्ड नहीं है। जी आओ जी पूर्ण जान, लेकिन वो हंस लो उन्हें।
ऊ कदू कुनी न अगर कहाँ देखिए गुस्सा आ गई गुहा तो कुनी ने गुहा मेरे घर ओ मतलब मजे का मैं आज कह गुहा मतलब मजे का खा तो रहो आप तो खा हो आ गया रे बच्चा आ गया बच्चा और बाकी सब कुछ बात ठीक है यार स्कूल आ गए तो आ गए स्कूल में मेरा नैनी भैया को दू भलचू अरे हाँ क्रीम पाउडर घुसनी की लेने ओ क्रीम पाउडर घुसनी की लेने मेरी निर्मला समझी की लेने फिर मधुली हिट द गाड़ा पहाड़ा झूलो बजल की ठंडी हवा ठंड पानी पी लो हिट मधुली मधुली मेरो पहाड़ा चल ठीक है बाय छह बजे तो अभी दगड़िया फर्स्ट क्लास छत में हमने थोड़ी बहुत रील्स भी क्रिएट कर लिए है ना आज हम फ्री बैठे थे तो हमने थोड़ा बहुत फोटो शूट कर लिया है बाकी देखो अभी मौसी ने ना थोड़ी देर के लिए एक साड़ी पहन रखी है अपनी फेवरेट वाली ग्रीन कलर की तो अभी हमने फोटो शूट किया अच्छा लगा ना मजा आया हाँ चलो और एक दो रील भी बनाई हमने है ना और निकिता ने भी निकिता का भी फोटो शूट किया मैंने देखो इसने भी साड़ी पहन रखी है तो रहो और हमारे को आप डिनर कोई चा मेरी बेकार कहने लेना हाथ तो डिनर में जो तो आज डिनर क्या भिंडी की चटनी और रोटी तो आज देख रही हूँ डिनर में पूरी रतवापुरी रत्त लगेगा दिन में जाओ रत्त तीन टाइम पूरी पूरी